नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा राधवन। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में जुलूस के दौरान पत्थरबाजी मामले में अब एक नया अपडेट सामने आया। पत्थरबाजी में गंभीर घायल एक युवक की मौत हो गई। मामला चित्तौड़गढ़ जिले के पहुना गांव का बताया जा रहा है, जहां पर ठाकुर जी का विवाह निकाले जाने के दौरान देर रात को गुट आपस में भिड़ गए थे। इस झगड़े में करीब 20 लोग घायल हुए हैं, जिनका सरकारी अस्पताल में उपचार जारी है। चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक सुदीप जोशी ने यह जानकारी दी कि 19 मार्च शाम को गांव पहुना में ठाकुर जी का विवाह निकाला जा रहा था। इस दौरान एक पक्ष के कुछ लोगों ने विवाह पर पथराव कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग करने का प्रयास किया। आसपास के थानों में जाब्ता बुलाया गया, पुलिस लाइन से आरएसी भी बुलाई गई। पुलिस ने सख्ती दिखाते लोगों को घरों में भेज दिया। देर रात तक दोनों पक्षों से लगातार बातचीत की गई। आखिरकार जुलूस रोकने की सहमति के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन अब युवक की मौत की खबरों से गांव में माहौल गर्मा गया है। पथराव में घायल लोगों को निकट के अस्पताल भेजा गया। इनमें पूर्व सरपंच रतन जीनघर और नवीन सोनी की हालत गंभीर होने से भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया, जिनमें से घायल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिसका गंगापुर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इधर युवक की मौत की खबर से गाँव में हालत काफी तनावपूर्ण है। लोग शव गांव में आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल के रखा है। कई थानों की पुलिस गांव में तैनात है। रात को ही 144 थाना लागू कर दी गई है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन और जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी उपखंड में हुई इस घटना को लेकर शांति की अपील की। ये वीडियो आप देखिए। वो ग्राम पंचायत जो है वो करीबन 7:30 बजे उस ग्राम पंचायत से जो रैली निकली, उसमें वो मस्जिद के आगे निकल रही थी। उस समय दोनों समुदाय के बीच में जो है उसको लेकर के कहां सुनी हुई बात। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। ये पूरा मामला ठाकुर जी का विवाह यानी कि शोभा यात्रा 19 मार्च को देर रात गांव पहुना में जब दरगाह के बाहर पहुंची तो विशेष समुदाय के कुछ युवकों ने साउंड बंद करने को कहा। जब साउंड बंद नहीं किया गया तो कुछ लोगों ने शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों पर पथराव शुरू कर दिया। शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों ने जब विरोध किया तो युवक रतन जीनगर की पिटाई कर दी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों गुटों के लोग आपस में भिड़ गए। पथराव में 20 लोग घायल हो गए, जिनमें से दो को गंभीर हालत में भीलवाड़ा रेफर किया गया, जिनमें से एक गंभीर घायल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और इसके बाद से वहां पे माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका है। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।